तो दोस्तों ये है वो लव बर्ड्स के तीन चिक्स जिन्हें मैंने जो हैंड फीड पे उठाया है, और जो है वो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पेट्स लाइफ की हैंड फीड पड़ी हुई है, और यहाँ पे कुछ सिरिंज पड़ी हुई है, और यहाँ पे जो है वो नीम गर्म पानी पड़ा हुआ है, और जो है वो ये आपको बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, इसमें है जो बच्चों को रखते हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि मैंने इन तीन बच्चों को क्यों हैंड फीड पे उठाया है, और इन्हें हैंड फीड किस तरीके से करवानी होती है, और जो है वो किस कंडीशन में बच्चों को हैंड फीड पे उठाना होता है, और किस तरीके से जो है वो पाला जाता है, और क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो वीडियो दोस्तों पूरा देखिए, वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चों को जो है वो हैंड फीड पे क्यों उठाया जाता है। जो है वो लवबर्ड्स के बच्चों को हैंड फीड पे उठवाने के काफ़ी जो है वो रीज़न होते हैं, काफ़ी जो है वो कारण होते हैं। उनमें से कुछ ये होता है कि बहुत बार क्या है कि जोड़ा है जो बच्चों को फीड करवाना छोड़ देता है, तो इस कंडीशन में है जो बच्चों को हैंड फीड पे उठाया जाता है। बच्चों पे जैसे ही रुआं आता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा रुआं, ये जो हेल्थी बच्चों की निशानी होती है। कुछ भाई करते हैं कि जब जैसे महंगे जोड़े होते हैं लवबर्ड्स के, तो उनकी जल्दी जल्दी फास्ट ब्रीड लेने के लिए, तो जैसे ही रुआं आ जाता है तो उन्हें हैंड फीड पे उठा लेते हैं, ताकि जो है वो पैर पीछे पीछे ब्रीड करने लगे अगली ब्रीड। तो ये आप देख सकते हैं बच्चे फीड के लिए किस तरीके से कर रहे हैं। तो मैंने जो है वो तीन बच्चों को हैंड फीड पे उठाया है, इसका रीज़न ये था कि मैंने जो है वो इनके जो पेरेंट्स थे, इनका जो पैर था लवबर्ड्स का, तो उसके नीचे मैंने छोटे लवबर्ड्स के बच्चे शिफ्ट किए थे, तो वो इनके पैरों के नीचे दबकर मर ना जाए, इस कारण से मैंने है जो इन्हें अलग किया था और हैंड फीड पे उठाया था। तो अब जो है वो बात करते हैं कि हैंड फीड किस तरीके से करवाई जाती है, और कौन सी हैंड फीड यूज़ की जाती है। तो ये पेट्स लाइफ की हैंड फीडिंग है, तो ये आपको अमेजोन वगैरह या कहीं भी जो है वो पेट शॉप वगैरह पर मिल जाएगी। इसकी जगह मैंने है जो होममेड फीड का भी यूज़ किया है, जब मेरे पास जो है वो फीड मंगवाई हुई नहीं थी। बाकी जो है वो पेट्स लाइफ की फीड का काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, मैं शुरू से यही यूज़ कर रहा हूँ। ये जो है वो आपको बाउल में पानी दिखाई दे रहा होगा, ये पानी 10 ml के करीब पानी है, और ये जो है वो थोड़ा गर्म पानी है। तो इसके अंदर हमें जो फीड को मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और जब तक ये ठंडा ना हो जाए अच्छी तरीके से, यानी कि गुनगुना, तो तब तक है जो इसे हिलाते रहेंगे फीड डाल के। और ये आपको सिरिंज दिखाई दे रही होगी, इनके आगे हमने जो साइकिल के वाल ट्यूब होते हैं वो हमने लगाए हैं। ये तीन तरह की सिरिंज है, आप फीड देखें अंदर से, ये इस तरीके की है जो फीड होती है। ये देखें जो है वो फीड, हमने थोड़ी देर तक जो है वो इसे मिक्स किया है फीड को, तो इस तरीके से जो फीड हो चुके है, ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए, मीडियम, जो कि सीरीज में अच्छी तरीके से भर जाए। और आपको जो है वो ज़्यादा फीड वेस्ट नहीं करनी है, फीड का टेम्परेचर देखने के लिए जो है वो थोड़ी सी फीड यहाँ पर लगाए, और जो है वो इसे आपको टेम्परेचर पता चल जाएगा, क्या है कि गर्म फीड नहीं करवानी होती। जब भी है जो सिरिंज से फीड करवाते हैं, एयर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो आपको दिखाई दे रही होगी, ये एयर भर जाती है सिरिंज में, तो इससे जो है वो अगर हम एयर के सही थी अगर हम फीड करवाएंगे तो कोठे में एयर भर जाएगी, तो जो है वो पहले एयर निकाल लेनी चाहिए, और उसके बाद जो है वो आराम से आहिस्ता आहिस्ता हमें फीड करवानी है। दोस्तों अब जो है वो कुछ भाई कहेंगे कि अगर हमारे पास अगर सिरिंज ना हो तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, तो आपको सिरिंज मिल जाएगी मेडिकल शॉप पे, और अगर ना हो तो आप इस तरीके से, ये आपको टीस्पून दिखाई दे रहा होगा चम्मच, तो इसे आप जो है वो किनारे किनारे से इस तरीके से मोड़ ले प्लायर से, और आप चम्मच से भी फीड करवा सकते हैं। चोंच के पास जब आप चम्मच लगाएंगे तो उससे जो है वो बच्चा धीरे धीरे जो है वो फीड ले लेगा। दोस्तों आप जब भी फीड करवाएं उससे पहले ये देखें, ये जो है वो बच्चे का कोठा होता है, ये देखें यहाँ पर, तो ये जब भरा हो फूला हो यहाँ से, तो आप समझ लें कि जो है वो फीड करवानी नहीं है, फीड है। और जब ये ना फूला हो तो जो है वो फीड करवानी है। बहुत बार क्या होता है कि जब हम बच्चे को फीडिंग करवाते हैं तो वो फीड को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो इस कारण से भी है जो वो काफ़ी टाइम तक वो फूला रहता है और वो फीड डाइजेस्ट नहीं होती, और कुछ बार तो जो है वो वापस फीड को चोंच से ही निकाल देते हैं, और बहुत बार जब जो है वो पतली फीड होती है तो डायरिया हो जाता है, जो है वो पोटी करने लगता है पतली पतली पानी जैसी। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि एक नियोपेप्टाइड नाम की एक सिरप आती है जो कि ह्यूमन मेडिसिन होती है, तो वो जो है वो आप फीड में एक दो बूंद उसकी मिलाएं। तो अभी है जो मुझे जो है वो नियोपेप्टाइड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बहुत जल्द नियोपेप्टाइड भी लेके आऊँगा।
तो ये जो है वो पहले फीड करवाते हैं इसे, और लेफ्ट साइड से आपको जो है वो पाइप थोड़ी सी अंदर डालनी है। बहुत बार क्या होता है कि भाइयों के यहाँ पे पाइप छोटी होती है और वो जोर ज़्यादा लगाते हैं, तो इससे क्या है कि जो है वो पाइप वो पूरी गले में डाल देते हैं और वो गले में उतर जाती है पाइप। इस तरीके की जो है वो प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है मुझे। तो इससे आप जो है वो इस तरीके से आराम से फीड करवाएं, बच्चे को ज़्यादा परेशान मत करें। तो जब आप थोड़े टाइम फीड करोगे तो बच्चा है जो फीड आराम से ले लेगा। अब जो ये बड़े वाला बच्चा है तो ये फीड ले लेता है। तो अब दोस्तों आप देखिए इसका जो कोठा है वो यहाँ से जो है वो फीड दिखने लग गई, यानी कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से, देखो इस तरीके से यहाँ से आपको फूला हुआ दिखाई दे रहा होगा, यानी कि ये बच्चे का कोठा होता है। इसे आप देखिए फीड करवाने से पहले, कहीं ऐसा ना हो कि कोठे में फीड अच्छी तरीके से भरी हुई है और हम जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो फीड करवा रहे हैं। तो ये आप ज़रूर देख ले फीड करवाने से पहले, ऐसी जगह ना रखे जहाँ पे चूहे वगैरह हो या कोई बिल्ली वगैरह हो, तो जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, वो बच्चों को मार भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो एसी में रख रहे हैं या डायरेक्ट पंखे की हवा वगैरह बच्चों को लग रही है, तो इस तरीके का बिल्कुल ना करें। हम एज की बात करें तो इस बच्चे की जो एज है वो 19-20 दिन की है, और वो जो बच्चे हैं उनकी 16-17 के करीब दिन की जो है वो एज है। और ये जो बच्चे होते हैं लवबर्ड्स के, इनकी जो सेल्फ होने की जो एज होती है 45 से 50 दिन के बीच, ये जो है वो अपने आप खाने लग जाते हैं। तो ये आपने देखा वीडियो हैंड फीडिंग का। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने ढेर सारे दोस्तों में भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो।